हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2019-20 से जुड़े आप लोगों के सवाल जवाब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि सर आखिरकार मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, मेरे मार्क्स ज्यादा थे, कोई बोल रहा है सर कट ऑफ कितना गया, एंड इसके साथ साथ किसी की अलग तरह की क्वेरी अलग अलग सामने आ रही है। तो दोस्तों इसी पर्पज को देखते हुए हमने आप लोगों की आईटीआई लगाई थी और बहुत से कैंडिडेट ने आईटीआई लगवाई भी है। तो फ्रेंड्स आज हम लिस्ट 4 आउट करने वाले हैं जिसमें बहुत से कैंडिडेट के नाम है जो अपना रिजल्ट में किस रीजन वश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कितना उनका मार्क्स आया, क्या रीजन रहा, हर एक चीज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में देख रहा होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आ रही हो पसंद तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा नाम यहाँ पर कवर करेंगे जिन जिन लोगों का सक्सेसफुल हो गया है क्या आईटीआई रजिस्ट्रेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो गए हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात करने वाले हैं यहाँ पर कैंडिडेट के नाम और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जिन जिन की आईटीआई सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर ली गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम निकल के आता है किसका, गोपाल पांडे। हालांकि गोपाल जी बिहार से बिलोंग नहीं करते, बिलोंग करते हैं झारखंड से। दोस्तों जैसे कि इन्होंने बोला था सर आप बिहार के नाम से लगा दीजिए, तो दोस्तों मैंने आपका एड्रेस वहां पे फिलअप नहीं किया झारखंड वाला, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। वहां पर ओनली ऑप्शन रहता है आपके बिहार के कैंडिडेट के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है BR20205479 3, आप नोट कर लीजिए और चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आने वाले समय में आप एक्टिविटी देख सकें, अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा कि आपकी आईटीआई आखिरकार रिप्लाई आ रहा है, पेंडिंग में चल रही है, या फिर सेकेंड अपील थर्ड अपील कैसी पोजिशन बन रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपकी आईडी के रूप में मैं पहचान बता दूं, आपका जो गोपाल से स्टार्ट होता है ईमेल आईडी और आपका कॉन्टेक्ट नंबर के स्टार्टिंग के डिजिट है 99 और लास्ट के हैं 86 के समथिंग, ओके, इससे आपकी पहचान हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपकी जो पेमेंट रिसीप्ट है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। तो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन नाम निकल के आता है यहाँ पे क्या, आपका राम कुमार पासवान। जी राम कुमार पासवान जी, आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है BR20205479 जे है, इसको नोट कर लीजिए या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और आपका यहाँ पर आईडी के रूप में बता दूं, आपका AKN से स्टार्ट होता है जीमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर 82 स्टार्टिंग, आपके जो अंक हैं और लास्ट के हैं 84, ताकि आपको पहचान लग सके कि आप ही हैं जी, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रिसीप्ट है, आप देख सकते हैं राम कुमार पासवान जी का है। अगला नाम निकल के आता है किसका, संजय कुमार। संजय कुमार आपका एप्लीकेशन नंबर है BR20205478 7, ओके, आपका जो ईमेल आईडी है स्टार्टिंग का वर्ड है संजय एंड आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर 76 से स्टार्ट होता है और 64 पर एंड हो जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, आपका यहाँ पर पेमेंट रिसीप्ट है, आप देख सकते हैं। अगला पर्सन है दोस्तों, नाम निकल के आता है क्या, मधुलिका कुमारी। जी हाँ दोस्तों, मधुलिका कुमारी जी आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है BR20205474 एंड इसके बाद आपको बता दें आपका ईमेल आईडी मधुलिका से स्टार्ट होता है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर के स्टार्टिंग वर्ड है 82 और लास्ट का भी है 82, ओके, इससे आपको पहचान लग जाएगी कि आप ही हैं जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आपका यहाँ पर पेमेंट रिसीप्ट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नाम निकल के आता है यहाँ पर किसका, हीरालाल कुमार। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल कुमार जी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं BR20205478 3, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, हालांकि आपके पास ईमेल पहुंचते होंगे जी हाँ दोस्तों, तो आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं, बट आप बाय चांस नहीं पहुंचा है किसी रीजन बस, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपना स्टेटस चेक करते रहें कैसा क्या चल रहा है। आपका जो ईमेल आईडी है हीरालाल से स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर 82 है और लास्ट का डिजिट है 65। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का, अगले व्यक्ति का। तो दोस्तों आप हीरालाल जी देख सकते हैं, आपका जो पेमेंट का जो रिसीप्ट प्राप्त होता है यह है
नेक्स्ट नाम निकल के आता है दिव्या कुमारी। दिव्या जी, आप अपना आवेदन क्रमांक देख सकती हैं आरटीआई का, क्या BR2020547778। और आपका जो ईमेल आईडी है दिव्या से स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर स्टार्टिंग वर्ड है 95 एंड लास्ट का है 05। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका जो पेमेंट रिसीप है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नाम निकल के आता है यहाँ पर कुंदन पासवान। तो कुंदन जी, आप भी देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर है VR2020547776। और बात करें आपके ईमेल आईडी की, तो कुंदन से आपका ईमेल आईडी स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग का वर्ड है आपका कॉन्टेक्ट नंबर 82 और एंड का है 84। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। आपका जहाँ पर पेमेंट का रिसीप है आप देख सकते हैं। अगला पर्सन निकल के आता है सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप भी अपने यहाँ पर आवेदन क्रमांक देख सकते हैं आरटीआई का, जो कि आपका एक्सेप्ट किया गया है। ओके, और फ्रेंड्स ऐसा भी होता है बहुत से कैंडिडेट का एक्सेप्ट नहीं होता। मान चले मैं यहाँ पर आपके सुनील जी का अप्लाई कर रहा हूँ, इनके बाद किसी नेक्स्ट पर्सन का कर रहा हूँ, तो ऐसा हो जाता है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इन्हीं के नाम से आ जाता है। जी, मान के चलिए सुनील का किया, इसके बाद नेक्स्ट पर्सन का किया, तो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता और वो सुनील के ही नाम से आपका एप्लीकेशन जनरेट कर देता है, आईडी बॉय लगा देता है। तो ऐसे दो तीन पर्सन है, मैं उनके नाम बताऊंगा। यदि ऐसा हो रहा है तो सुनील के ही पास आएंगे उनके ईमेल्स। तो सुनील, आप कहीं आपके पास आता है, अभी आपके पास तो नहीं, ऐसा एक पर्सन है जिसके नाम से दो से तीन कैंडिडेट के यहाँ पर आरटीआई लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी ने जनरेट करके दी है नेट के माध्यम से आपकी साइड ने। तो मैं उनके नाम बताऊंगा वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके आपके एक ही पर्सन के नाम से आ गए हैं आरटीआई की रिस्पॉन्स। ओके, मतलब कि आरटीआई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एक ही पर्सन के नाम से आया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन है आपका यहाँ पर से पेमेंट रिसीप्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन निकल के आता है अर्जुन कुमार गौंड। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन, आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं BR2020547771। और आपका जो है यहाँ पर ईमेल आईडी अर्जुन से स्टार्ट होता है और आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर 83 और लास्ट डिजिट है 684। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपके यहाँ पर जो पेमेंट रिसिप्ट है आप देख सकते हैं। अगला पर्सन निकल के आता है उत्तम कुमार। तो दोस्तों, आप उत्तम कुमार जी, आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर है BR2020547770। ओके, और आपका जो ईमेल आईडी है वो स्टार्टिंग का वर्ड UK है एंड इसके साथ साथ कॉन्टेक्ट का स्टार्टिंग अंक 72 और लास्ट का है 14, मतलब कि 72 और 14। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। आपका यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पेमेंट का रिसीप्ट है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट नाम निकल के आता है पंकिल कुमार। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आप देख सकते हैं BR2020547768। ओके, और आपका बात करें एप्लीकेशन आईडी ईमेल आईडी, तो आप पंकज से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है 91 और लास्ट का डिजिट है 45। क्योंकि दोस्तों ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं दे सकता, यहाँ पर पर्सनल रहता है, तो आप लोग खुद नहीं चाहते हैं। ऐसा मेरे पास कॉल भी आया था कि सर शॉर्ट में बता दिया करें, हम अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं यहाँ पर फुल ईमेल आईडी और फुल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बता सकता आपको। शॉर्ट में ही यदि आप हैं तो आप पहचान जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं सर क्या क्या पूछा गया है। तो सभी की एक ही क्वेरी आ रही थी कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा मार्क्स कितना आया है और बिहार पुलिस यहाँ पर एग्जाम जो हुआ है कांस्टेबल का, इसमें कट ऑफ किया गया है ऑल कैटेगरी का। तो यही डाउट्स हमने रखे हैं आरटीआई में हर किसी के। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसा क्या पूछा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछे गए आप लोगों के जो क्वेश्चन है, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019 एंड 20। मतलब कि सर मुझे अपने नंबर बताइए जो मैंने प्राप्त किए हैं अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लिखित एग्जाम 2019-20 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का है, क्या सर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन। मतलब कि सर बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित एग्जाम 2019-20 का कट ऑफ क्या गया है प्रत्येक कैटेगरी का, प्लीज हमें जानकारी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट
बाय मास सिलेक्शन इज वाज नॉट डन इन बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2019-20। मतलब कि सर क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस लिखित एग्जाम 2019-20 में नहीं हुआ, इसकी जानकारी दीजिए। नेक्स्ट है हेयर इज माई इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मेरी जानकारी यह है। यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर होता है एंड इसके बाद उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इससे वो ऑल डिटेल्स आपकी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका क्या लिस्ट 5 आएगी, जिसमें हम ऑल कैंडिडेट के नाम कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद कोई कैंडिडेट नहीं है, यदि है तो उसने या तो हमारे पास डिटेल सेंड नहीं की, सबमिट नहीं की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक दो कैंडिडेट हैं जिनसे मैं कॉल करके संपर्क करके उनकी डिटेल्स ले लूंगा और उनका भी ITI सबमिट हो जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करें। और फ्रेंड्स आप लोग भी चाहते हैं कि सर मेरी ITI लगा दीजिए, मुझे भी जानना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे जानना है कि मेरे यहाँ का कट ऑफ किया गया है, मेरे मार्क्स कितने हैं। यदि आप अपनी OMR शीट की कॉपी लेना चाहते हैं कुछ भी, तो आप ITI लगा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जाना होगा कहाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक दी होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल ITI रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर क्लिक करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।